हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है क्रोनोलॉजिकल सीवी एंड फंक्शनल सीवीज में क्या डिफरेंस है इससे रिलेटेड क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इसके बारे में हमें डिस्कस करना है इससे पहले हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है कि सी क्या होती है बायोडाटा क्या होता है एंड रिज्यूम क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया तो so, आज का जो टॉपिक है वो आपके सामने है क्रोनोलॉजिकल सीवी एंड फंक्शनल सीवी के अंदर डिफरेंस क्या है सो so, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्रोनोलॉजिकल सीवी क्या होती है बट इससे पहले कुछ लाइन्स हैं ऊपर वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं पिकिंग द सुटेबल फॉर्मेट फॉर योर रिज्यूम कैन हेल्प यू क्राफ्ट और डॉक्यूमेंट दैट सक्सेसफुली प्रमोट यू एज एन अपीलिंग जॉब कैंडिडेट कि जो सीवी होती है अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो सीवी के थ्रू आपको बहुत गाइडेंस मिल जाती है देयर आर अ वाइटी ऑफ फॉर्मेट टू चूज फ्रॉम ईच विद इट्स इंडिविजुअल प्रोज एंड क्रॉन्स कि हर एक टाइप के जो फॉर्मेट होते हैं उसके अपने प्रो एंड कॉन्स होते हैं If you consider which format to use, अगर आपको ये consider करना है कि कौन सा format आपको use करना चाहिए you will likely need to decide between chronological and functional. तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए सबसे पहले कि chronological सी वी क्या होती है and functional सी वी क्या होती है फिर जो भी आपको suit बैठती है कि आप किस सी के अंदर proper आते हो तो उस टाइप की आप सीवी लिख सकते हो सो so स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पर है क्रोनोलॉजिकल सीवी अ क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम इज द डॉक्यूमेंट दैट लिस्ट योर वर्क हिस्ट्री अकम्पलिशमेंट इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कि जो क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम होता है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप जो भी आपने अकम्पलिशमेंट जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं उन्हें आप एक रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हो जैसे कि अभी 2023 है तो रिसेंट प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो पहले आप वो बताओगे देन आपने थाउजेंड टू में इस तरीके से पहले आपने क्या किया तो उसको आप बाद में लिखोगे तो सबसे पहले आप जो प्रेजेंट है उसके बारे में बताओगे दैन आप अपने पास्ट के बारे में बताओगे योर मोस्ट रिसेंट जॉब इज लिस्टेड फर्स्ट सबसे पहले आपकी जो रिसेंट uh, जॉब है वो आपको लिखनी है फॉलोड बाई ईच ऑफ योर प्रीवियस पोजिशन उसके बाद आपको अपनी जो प्रीवियस पोजिशन है उसके बारे में बताना है एंडिंग विद योर अर्लीस्ट और लास्ट जो आपकी एंडिंग है वो आप कौन सी जॉब के बारे में बताओगे जो कि आपने सबसे पहले की थी आपकी फर्स्ट जॉब के बारे में बताओगे अ क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम यूजली इंक्लूड एन ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट और समरी एट द टॉप ऑफ द पेज कि जो क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम होता है इसमें टॉप ऑफ द पेज पेज के सबसे टॉप पर आप क्या इंक्लूड करोगे ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट एंड समरी क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम ऑल्सो फीचर्स योर एजुकेशनल बैकग्राउंड आइदर अलोंग साइड योर सर्टिफिकेशन एंड इन एंड इंडिविजल सेक्शन की जो क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम होता है इसमें आपको अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में भी बताना पड़ता है इसके साथ ही आप अपने सर्टिफिकेट भी इंक्लूड वहाँ पर कर सकते हो इनने क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम योअर स्किल एंड अदर क्वालिफिकेशन आर टिपिकली लिस्टेड टू वर्ल्ड द बॉटम ऑफ द पेज एंड ये जो आपकी स्किल्स हैं आपकी जो अदर क्वालिफिकेशन हैं इनके बारे में आप कहाँ पर बताओगे बॉटम ऑफ द पेज पर लास्ट में आप बताओगे क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट इज़ द मोर ट्रेडिशनल वे टू राइट और रिज्यूम कि जो क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट है ये एक ट्रेडिशनल तरीका था रिज्यूम लिखने का एंड इज द प्रेफर्ड मेथड फॉर मैनी जॉब कैंडिडेट एंड एम्प्लॉयस और इसे ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है जॉब कैंडिडेट्स और इम्प्लॉयर्स के द्वारा अब हम देख लेते हैं कि फंक्शनल सीवी क्या होती है अ फंक्शनल रिज्यूम फोकस ऑन योर स्किल एंड एबिलिटी रैदर दैन योर वर्क हिस्ट्री कि जो फंक्शनल सी वी है नेम से पता चल रहा है कि फंक्शनल कि आप क्या क्या फंक्शंस क्या क्या वर्क कर सकते हो तो इसमें मेन फोकस आपकी स्किल पर आपकी एबिलिटी पर ज़्यादा किया जाता है ना कि आपकी वर्क हिस्ट्री पर कि आपने पहले क्या किया ये मैटर नहीं करता आपने क्या एबिलिटीज़ हैं उनके बारे में यहाँ पर ज़्यादा बताया जाता है द गोल ऑफ ए फंक्शनल रिज्यूम इज़ टू प्रूव टू यर रीडर दैट यू कैन कैरी आउट द ड्यूटीज रिक्वायर बाय द जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर कि जो फंक्शनल सी वी होती है उसमें आप सामने वाले जिस रीडर को आप बताना चाहते हो उससे आप ये बताते हो कि आपने जो ये जॉब निकाली है जो पोस्ट आपने दी है उसमें आपने जो भी डिमांड्स है, की हैं स्किल्स की एबिलिटीज की वो सारी स्किल एबिलिटी मेरे अंदर है तो आप वही स्किल्स के बारे में उस फंक्शनल सी के अंदर बताते हो फंक्शनल रिज्यूम बिगिन विद एन इन डेप्थ ओवर व्यू ऑफ़ योर प्रोफेशनल स्किल एंड क्वालिफिकेशन की जो फंक्शनल रिज्यूम होता है उसमें आप स्टार्टिंग में क्या लिखते हो तो आपका जो प्रोफेशनल स्किल है आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में आप बताते हो दिस टिपिकली इन अ बुलेटेड लिस्ट अंडर ईच एंट्री दैट कंस कंसाइसली एक्सप्लेन हाउ यू हैव यूज द स्किल सक्सेसफुली इन द वर्क प्लेस इसके साथ ही वहाँ पर एक बुलेटि लिस्ट होती है जिसमें आप हर उस लिस्ट uh, के अंदर जो भी uh, चीज़ें दी होती हैं कॉलम्स दी होती हैं उसको आप एंट्री करते हो और वहाँ पर आप बताते हो कि आपने वर्क प्लेस पर जो आपकी स्किल है वो कितने अच्छे तरीके से यूज़ की है any certification education degree and license are listed together on a functional resume aap koi bhi certificate education degrees ya license wagaira ko bhi likh sakte ho listed kar sakte ho many functional resume also include a work history section कि बहुत सारे functional रिज्यूम ऐसे भी होते हैं जहाँ पर आपकी work history का section भी होता है जहाँ पर आपको ये बताना होता है कि आपने इससे पहले क्या क्या काम कर रखा है और कहाँ कहाँ आपने काम किया हुआ है बट इट इज़ टिपिकली ब्रीफ एंड लिस्टेड बीनीथ योर स्किल लेकिन ये सारी जो बातें होती हैं ये बहुत लास्ट में आपकी स्किल्स के बाद दी होती हैं और बहुत ही ब्रीफ में दी हुई होती हैं पूछी जाती हैं तो इस तरीके से आज हमने इस वीडियो में क्रोनोलॉजिकल सीवी एंड फंक्शनल सीवी क्या होती है इसके बारे में हमने पढ़ लिया है एक नेक्स्ट वीडियो बनाई जाएगी जिसमें हम सिर्फ ये देखेंगे कि फंक्शनल सीवी किस तरीके से लिखी जाती है उसका फॉर्मेट क्या है एक वीडियो पहले बनाई हुई है जिसमें हमने क्रोनोलॉजिकल सीवी का फॉर्मेट क्या है किस तरीके से लिखी जाती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा इसके अलावा अगर आप आप मुझसे कोई भी डाउट के बारे में पूछना चाहते हो कांटेक्ट करना चाहते हो तो एक टेलीग्राम ग्रुप नई शुरुआत के नेम से बनाया गया है तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट होता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई वीडियोस वगैरह चाहिए तो आप मुझे वहाँ पर बता देना आपके लिए उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना दी जाएंगी होपफुली आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो थैंक यू